छठ के पावन पर्व पर तमाम देशवासियों को, भिवंडी वासियों को, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गठ नेता व नगर सेवक नीलेश चौधरी व उनके सहयोगी मित्र ने भिवंडी शहर वासियों को, देशवासियों को छठ के पावन पर्व पर शुभकामनाएं दिए और साथ ही साथ भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों से अपील की कि भिवंडी शहर के सभी घाटों को स्वच्छ और साफ सुथरा रखें ताकि किसी भी भक्तगण को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए आने वाली 2 तारीख को छठ पूजा के पावन पर्व पर बधाई देते हुए नीलेश चौधरी ने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट को। पहले आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिवाली के पावन अवसर के ऊपर सभी भिवंडी वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले 2 तारीख को छठ पूजा है। उस छठ पूजा के लिए हमारे जो मित्र है, दरभंगी सेठ है, ओमकार पांडे है, मिश्रा जी है और सभी हमारे कार्यकर्ता जो है, वो कार्यकर्ता अभी हम एक मांग कर रहे हैं कि छठ पूजा जो है वो हमारे घाट के ऊपर बहुत उल्लास से मनाया जाता है। उत्तर भारतीय हो, बिहारी हो, सभी जाति धर्म के लोग वहाँ पे आ जाते हैं और सूर्य की पूजा करते हैं, अस्त की करते हैं और सूर्यास्त की करते हैं और कहीं ना कहीं तालाब साफ करने का है, उसके लिए हमने मांग भी की है प्रशासन से जल्द ये तालाब जो है वो साफ़ सुथरा करे और साफ़ सुथरा करके हमारे बिहारी भाइयों को और उत्तर भारतीयों को जो दिक्कतें होती है वो दिक्कतें दूर होने के लिए भी स्वयंसेवक भी रहेंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता रहेंगे और कहीं भी आप देखेंगे तो छठ पूजा इतने उल्लास से मनाएंगे। आप देखेंगे कि इस भिवंडी शहर में और इस थाना जिला में सबसे अच्छा अगर कोई छठ पूजा होगी तो हमारे भिवंडी शहर में होगी। और वराल तालाब जो है, वराला तालाब है, कामतगर घाट है, फेना घाट है, उसके बाद में भादवड़ है, अपना नारपोली है या नदी नाका, जहाँ जहाँ पे हमारी छठ पूजा होती है वहाँ से हम लोग अच्छी तरीके से ये छठ पूजा के लिए व्यवस्था करेंगे। और दूसरी बात, जितना हो सके वो प्रयोजन हम लोग हर घर में छठ मनाए जाए, क्योंकि छठ पूजा उत्तर भारत में और बिहार में होती है, वो हमारे महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र लोग भी बहुत सारे छठ पूजा मनाते हैं। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा पर्व है जो एक दूसरे को आपस में मिलाता है, वो छठ मैया का है। और हमारे खासदार ने कहा है क्या हम वहाँ पे एक छठ का मंदिर बनाएंगे, अभी उसका भी हम देखेंगे कि कभी छठ का मंदिर का प्रयोजन होता है। और खास करके उत्तर भारतीयों ने यूती के महेश चौगुले और रुपेश मात्रे को वोट दिया पूर्व के अंदर और पश्चिम के अंदर, और उत्तर भारतीय बिहारी समाज ने बढ़ चढ़ कर यूती के साथ रहे, इसके लिए ये समाज का मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ। हमेशा ही ये समाज हमारे साथ रहा है और आगे भी उम्मीद करूँगा रहेगा, लेकिन इस छठ पूजा में जो जो कमियाँ हैं वो सब दूर होगी और आप देखेंगे कहीं ना कहीं अच्छा छठ पूजा मनाएंगे हम लोग। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़, धन्यवाद।